फालतू में ऐसी दवाएं हमारे यहाँ बहुत कम है। और एक उदाहरण देता हूँ, हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे बच्चों के लिए बेबी फूड और बेबी पाउडर्स बेचे जाते हैं जो दुनिया में कोई नहीं बेचता, कहीं नहीं बिकते। हमारे देश में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए बेबी पाउडर के नाम पर बहुत सारे ब्रांड हैं, सेरेलक है, नेस्टम है, लैक्टोजन है, ये दुनिया में कहीं नहीं बिकते। अगर आप अमेरिका जाएंगे किसी दुकान में नहीं मिलेगा ये, आप यूरोप में भी नहीं मिलेगा। अमेरिका यूरोप में तो हम लोग देखते हैं कि वहां बड़े बड़े शहरों में होर्डिंग्स लगाए जाते हैं और उन पर लोगों को समझाने के लिए लिखा जाता है बेबी पाउडर नॉट बेबी किलर। वो कहते हैं कि ये बेबी पाउडर नहीं है, बच्चों को मार डाले ऐसी चीज। अमेरिका यूरोप में कोई अपने बच्चों को ये नहीं देता, नेस्टम, सेरेलक, लैक्टोजन, लेकिन भारत में पता नहीं कितने परिवारों में बच्चों को ये खिलाया जाता। पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे भी खराब हो रहे हैं। तो ऐसा हमारे देश में ये बहुत बड़ा घटाटोप है, घोटालेबाजी, रिश्वतखोरी में पूरा चिकित्सा व्यवस्था डूबी हुई है हमारी। और इस चिकित्सा व्यवस्था का एक कड़वा सच है, और मैं पहले से आपसे माफी चाहता हूँ लेकिन जरूर कहूंगा, वो कड़वा सच ये है कि ये जितनी बेकार की दवाएं हैं, फालतू की दवाएं, इरेशनल, इररेलीवेंट मेडिसिन, जहरीली दवाएं, इन सबको डॉक्टर्स आपको लिखते हैं एक ही लालच में कि उनको कमीशन मिलता है इन दवाओं को बिकवाने में। हमारे भारत के बड़े बड़े डॉक्टर्स को मैं मिलता रहता हूँ, उनकी जो प्रेस्क्रिप्शन स्लिप है वो मैं इकट्ठी करता रहता हूँ। हमारे पतंजलि योग पीठ में आप जानते हैं कि हर दिन करीब 2,500 मरीज आते हैं, और उनमें से ज्यादा मरीज ऐसे होते हैं जो अंग्रेजी एलोपैथी के चक्कर में सब बर्बाद करा चुके हैं, किडनी खराब हो गई, लीवर डैमेज हो गया, दमा हो गया, अस्थमा हो गया, अल्सर हो गया, पेप्टिक अल्सर हो गया, अंत में आते हैं हमारे यहाँ। तो पहले कहाँ कहाँ इलाज कराया हम उनसे पूछते हैं, तो उनके प्रेस्क्रिप्शन स्लिप में देखता हूँ, तो डॉक्टर्स की लिखी हुई ऐसी ऐसी दवाएं देखकर मैं हैरान हो जाता हूँ, जिन दवाओं को कोई भी ईमानदार और संवेदनशील डॉक्टर अपने को नहीं खिला सकता, अपने घर परिवार के लोगों को नहीं दे सकता, वो दवाएं डॉक्टर मरीजों को लिखता रहता है। और जब वो स्लिप लेके हम डॉक्टर्स को मिलते हैं और कहते हैं कि आपने ये दवा कैसे लिख दी इस मरीज को, क्योंकि इस दवा के तो 100 से ज्यादा दुष्परिणाम है, दुनिया के इतने देशों में ये बैन है, आपने कैसे लिखा इसको, तो वो डॉक्टर्स जो है ना मुस्करा के रह जाते हैं। और जो थोड़े हमारे नजदीकी हैं वो कहते हैं क्या बताएं भाई, कमीशन मिलता है इसमें, और कमीशन थोड़ा बहुत नहीं मिलता, 40% तक मिलता। आपको शायद ये बात मालूम है या नहीं कि अगर आप किसी केमिस्ट की दुकान से 1,000 रुपए की दवाएं खरीद रहे हैं, किसी डॉक्टर की स्लिप पर लिखी हुई, प्रेस्क्रिप्शन स्लिप पर लिखी हुई, तो उसमें से 400 रुपए डॉक्टर के पास जाएगा। ये सारे केमिस्ट जो है ना डॉक्टर्स के साथ जुड़े हुए हैं, कमीशन खोरे हैं। वो दवा बेचेंगे, मुनाफा आएगा, उसमें से 400 रुपए डॉक्टर के पास पहुंच जाएगा। और ये काम और बड़े पैमाने पर होता है जब बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी दवाएं डॉक्टर से लिखवाने के लिए कमीशन देती हैं। कैसे कमीशन देती हैं? बहुत सारी कंपनियां डॉक्टर्स को कार देती हैं, गिफ्ट में कार दे देती हैं, टेलीविजन दे देती हैं, मोटरसाइकिल दे देती हैं, घर में एसी लगवा देते हैं। कई कई कंपनियां तो डॉक्टर्स के परिवारी लोगों को स्विट्जरलैंड घूमने का टिकट दे देती हैं, हांगकांग सिंगापुर का टिकट दे देते हैं, कहते हैं जाओ खरीद ही करके आओ। अब वो डॉक्टर जब कंपनी से कार पा जाएगा, स्कूटर मोटरसाइकिल लेगा, उनकी बहुत सारी सुविधाएं लेगा, तो वो तो उनका जल खरीद गुलाम हो गया। अब तो कई कंपनियों ने इतने खराब खराब तरीके निकाले हैं इस रिश्वतखोरी के कि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनके बेटे बेटियों की पढ़ाई का खर्च दवा कंपनी देती है।
डॉक्टर्स के टेलीफोन का खर्च दवा कंपनी भरती है, डॉक्टर्स की गाड़ी में डीजल पेट्रोल का खर्च दवा कंपनी देती है, तो वो डॉक्टर वही दवा लिखते हैं जिसको कंपनी कहती है, और कंपनी वो दवाएं लिखवाती है जिसमें मुनाफा बहुत हो, और मुनाफा उन्हीं दवाओं में है जो सबसे खराब और रद्दी दवाएं। ये सारा रैकेट ऐसे चलता है। तो इस चक्कर में आप जो दवाएं खा रहे हैं, आप नहीं जानते कि उन्हीं दवाओं से आप और ज्यादा बीमार होते चले जाए। आप नहीं जानते कि कितनी ऐसी दवाएं हैं जो आपके घुटने के दर्द के लिए जिम्मेदार है। जितनी एंटीपायरेटिक और एंटी एनर्जेसिक मेडिसिन है, ये सब घुटनों का दर्द करते हैं। आपको गठिया होगा, संधिवात होगा, अर्थराइटिस होगा, ऑस्टियोअर्थराइटिस होगा, रूमेटॉइड अर्थराइटिस होगा, ये सब होता है। कितनी ऐसी दवाएं हैं जो आपको मोटापा लाती है। तो इसलिए मैं आप सभी से एक निवेदन करने आया, विनती करने आया कि आप बीमारी से नहीं बेईमान डॉक्टरों से बचो, आप बीमारी से नहीं ये बेकार की फालतू एलोपैथिक दवाओं से। ये दवाएं बहुत खतरनाक है। आपको मालूम है अमेरिका जैसे देश में अभी जो ज्यादा ईमानदार और संवेदनशील डॉक्टर्स हैं, उन्होंने एक समूह बनाया है और अपने मरीजों को वो कहते हैं कि ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसिन, बिना दवाओं के इलाज करवाओ अपना। अमेरिका में अभी अभियान शुरू हो गया, कनाडा में ये अभियान शुरू हो गया, यूरोप के देशों में जो सेंसिटिव और इंटेलिजेंट डॉक्टर्स हैं वो भी यही काम में लग गए हैं, ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसिन, बिना दवा के इलाज करना बीमारियों का। आप पूछेंगे वो डॉक्टर कैसे करते हैं ये सारा काम बिना दवा के बीमारियों का इलाज, आपको खुशी होगी, आनंद होगा कि ये सारा अभियान वो योग और प्राणायाम की ताकत से चला रहे हैं। अमेरिका यूरोप में ऐसे सैकड़ों डॉक्टर्स हैं जो अपने मरीजों को प्राणायाम करा रहे हैं, अमेरिका यूरोप में ऐसे सैकड़ों हजारों डॉक्टर हैं जो अपने मरीजों को आयुर्वेद की दवाएं दे रहे हैं, और सिर्फ एक ही कारण से कि अंग्रेजी एलोपैथिक दवाओं ने बर्बाद कर दिया है लोगों को, शरीर बर्बाद हुआ है, पैसे बहुत बर्बाद हुए। तो जब अमेरिका यूरोप में योग प्राणायाम चालू हो गया है तो भारत में क्यों नहीं करना? इसलिए परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने भारत के एक एक गांव के हर व्यक्ति को योग प्राणायाम सिखाने का संकल्प लिया है, और इसी के लिए ये भारत स्वाभिमान का आंदोलन शुरू किया है। आपको एक बात बताता हूँ, थोड़ा आनंद आएगा, आपको खुशी होगी, अमेरिका में हर रविवार के दिन सारे बड़े शहरों में कोई भी खाली जगह नहीं है जहां पर प्राणायाम और योग ना होता हो। जैसे ये रायगढ़ का रामलीला मैदान है, ऐसे अमेरिका में जगह जगह मैदान है, पब्लिक पार्क्स कहते हैं उनको, हर रविवार के दिन लोग भरे रहते हैं उन पब्लिक पार्क्स में, प्राणायाम करने के लिए इकट्ठे होते हैं, योग करने के लिए इकट्ठे होते हैं। और अब अमेरिका में ये हालत हो गई है कि रविवार वाले दिन ज्यादा लोग योग और प्राणायाम करने जाते हैं, चर्च में पूजा करने नहीं आते। तो अमेरिका के चर्च में आने वालों की संख्या बहुत कम हो गई है, तो चर्च के जो पादरी है ना, वो अब बहुत परेशान होने लगे हैं, और उन्होंने गुस्सा करना शुरू कर दिया है कि लोग चर्च में नहीं आते, सब प्राणायाम करने चले जाते। तो अभी अमेरिका के पादरियों ने आपस में मिलकर एक बयान जारी किया और ये कहा है कि जो लोग प्राणायाम करते हैं उनके शरीर में शैतान आ जाता है, ये कहा है। तो अमेरिका के जिन पादरियों ने ये बयान जारी किया कि जो प्राणायाम करते हैं उनके शरीर में शैतान आ जाता है, उन पादरियों के समूह का जो मुख्य पादरी है उसको अमेरिका के एक टेलीविजन चैनल पर बुलाया गया और उससे पूछा गया कि भाई कोई अगर प्राणायाम करता है, योगासन करता है, तो उसका शरीर तो पवित्र होता है और अच्छा होता है, आप बोलते हो इसमें शैतान आ जाता है, ये कैसे?
तो उसने गुस्से में कहा कि ये सब लोग हमारे चर्च में तो आते नहीं है, चर्च तो खाली हो गए हैं और सब पार्क में प्राणायाम कर रहे हैं, योगासन कर रहे हैं, हमारे चर्च की इज्जत कम हो रही है, सम्मान कम हो रहा है, तो इसका मतलब उनका धर्म खतरे में पड़ गया है, योग प्राणायाम की ताकत इतनी बड़ी है। जब अमेरिका में ऐसा हो रहा है, यूरोप में ऐसा हो रहा है, तो भारत में क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि योग प्राणायाम तो भारत की विद्या है, परम पूजनीय महर्षि पतंजलि ने इसको भारत से प्रारंभ किया, सारी दुनिया में इस विद्या को भारत ने फैलाया, तो भारत में योग प्राणायाम क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? जब अमेरिका में बढ़ता है, यूरोप में बढ़ता है, तो हमारे यहाँ भी होना चाहिए। इसलिए हम गांव-गांव जाते हैं, हरेक व्यक्ति को प्राणायाम कराते हैं, योगासन सिखाते हैं और उसको आयुर्वेद के बारे में बताते हैं। तो आपसे भी मेरा यही निवेदन है कि आप भी योग प्राणायाम करें अपनी हर बीमारी के इलाज के लिए। और मैं आपको विनम्रता पूर्वक लेकिन दृढ़ता के साथ ये कह रहा हूँ कि एक भी बीमारी आपकी एलोपैथी दवाओं से ठीक नहीं होगी। सामान्य बीमारियां ठीक नहीं हो पाती एलोपैथी में, तो गंभीर बीमारी तो कभी नहीं होती। अगर आपको सर्दी जुकाम हो जाए, आप कुछ मत करो, कुछ मत करो, बस गर्म पानी पीते रहो, 3 दिन में अपने आप ठीक हो जाए। लेकिन कोई एलोपैथी दवा अगर आपने खाई तो वो 10 से 15 दिन तक ठीक नहीं होगा, वही जुकाम। ये हाल है एलोपैथी का। तो आप ज्यादा फालतू एलोपैथी दवाएं ना खाएं, ये हमारा आपको संदेश है। पर आप अपने जीवन में योग प्राणायाम का अपने जीवन में उपयोग करें, हर बीमारी का समाधान आपको वहां मिलेगा। तब आप ये कह सकते हैं कि हमको तो पता ही नहीं है कौन सी दवाएं हैं आयुर्वेद में जो हमारी बीमारी को ठीक कर सकती हैं, प्राणायाम कौन कौन से हैं जो हमारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो आज मैं आपको ऐसी कुछ दवाएं बताना चाहता हूं जो आयुर्वेद में बहुत अच्छी मानी जाती हैं और हमारे घर की रसोई में आराम से वो दवाएं मिल जाती हैं। हमारे जो घर की रसोई है वो दवाओं का सबसे बड़ा भंडार है। तो रसोई घर में जितनी दवाएं हैं और बहुत अच्छी हैं और आयुर्वेद में हजारों वर्षों से इस्तेमाल हो रही हैं, ऐसी कुछ दवाएं मैं आपको बताऊंगा। आपके पास अगर कागज है, कोई डायरी है, नोटबुक है, तो आप जरूर लिख लीजिए और ये दवाएं आपके बहुत काम आएंगी। हमारे जो योग शिक्षक बैठे हैं वो तो जरूर लिखें, क्योंकि हर दिन वो योग कक्षा में जाते हैं और हर दिन उनको इन दवाओं के बारे में लोगों से बात करने में आसानी हो जाएगी। ऐसी क्या क्या दवाएं हैं हमारे घर में और योग प्राणायाम में कौन सी विधियां हैं जिनसे हम हमारी बीमारियां ठीक कर सकें? मैं शुरू करता हूं डायबिटीज से, शुगर की बीमारी जो बहुत तेजी से बढ़ रही है इस देश में। 5,70,00,000 भारतवासियों को शुगर हो चुकी है, डायबिटीज हो चुकी है और सरकारी आंकड़ों के अनुसार 3 करोड़ को होने वाली है। माने 8,70,00,000 भारतवासी थोड़े दिन बाद इस बीमारी की चपेट में आ जाएंगे। और ये बीमारी जो है ना साइलेंट किलर है, साइलेंट किलर का माने आपको चुपचाप मार डाले ऐसी बीमारी है। अगर आपको डायबिटीज हो गई, शुगर हो गई, तो कभी भी आपको हार्ट अटैक आ सकता है, कभी भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, कभी भी ब्रेन हेमरेज हो सकता है, कभी भी पैरालिसिस हो सकता है, कभी भी दोनों गुर्दे खराब हो सकते हैं, लीवर खराब हो सकता है। और अगर डायबिटीज आ गई है तो नपुंसकता तो कभी भी आ जाएगी, आंखों की रोशनी आपकी कभी भी चली जाएगी, बहुत खतरनाक है ये डायबिटीज। इसलिए इसके बारे में गंभीरता से आप इलाज करिए। इलाज क्या करना है? सबसे पहले आपको 5 मिनट हर दिन करना है भस्त्रिका प्राणायाम। सवेरे खाली पेट 5 मिनट आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना है जरूर, जो डायबिटीज के मरीज हैं। और आधा घंटे के लिए करना है कपालभाति प्राणायाम।
और आधा घंटे के लिए करना है अनुलोम विलोम, तो 5 मिनट भस्त्रिका, आधा घंटे कपालभाति, आधा घंटे अनुलोम विलोम, ये 3 प्राणायाम हर दिन करने हैं। भस्त्रिका कैसे होता है आप जानते हैं, आराम से आप बैठे हुए हैं और आपके हाथ की पहली उंगली को अंगूठे के साथ स्पर्श कराइए, ये ध्यान मुद्रा होती है, इस मुद्रा में बैठ जाइए, हाथ आपके दोनों घुटनों पर होंगे और आराम से बैठकर धीरे धीरे सांस भरिए और धीरे धीरे श्वास को छोड़िए, लंबी सांस भरिए और लंबी सांस छोड़िए, जितनी धीमे सांस आप लेंगे और जितनी धीमे सांस छोड़ेंगे उतना ही ये प्राणायाम अच्छा होगा, जितनी गहरी सांस लेंगे जितनी गहरी सांस छोड़ेंगे उतना ही ये प्राणायाम अच्छा होगा। मैं एक बार इसको करके दिखाता हूँ, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। बस सांस लेते रहिए छोड़ते रहिए और ये 5 मिनट लगातार करना। इसके बाद जो दूसरा प्राणायाम करना है आपको वो है कपालभाति। कपालभाति में क्या होता है, झटके के साथ श्वास को बाहर निकालना, झटके से, फोर्स के साथ, और जब आप श्वास को बाहर निकालेंगे तो आपका पेट अंदर जाना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ये है कपालभाति, हर दिन आपको आधा घंटे करना। तीसरा प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में क्या करना है, दाहिनी नाक जो है ना वो बंद करके बाई नाक से पूरी सांस निकालनी है और फिर बाई नाक से सांस भर के उसको दाहिनी नाक से निकालना है, फिर दाहिनी नाक से सांस भर के बाई से निकाल, फिर बाई से सांस भर के दाहिनी नाक से निकाल, बस इसी तरह से आप इसको दोहराते रहें। ये है अनुलोम विलोम। तो आधा घंटे आप अनुलोम विलोम करें, आधा घंटे कपालभाति करें और 5 मिनट करें भस्त्रिका। ये 3 प्राणायाम अगर आप नियमित करेंगे तो आपकी डायबिटीज बिल्कुल ठीक हो जाएगी, गारंटी के साथ ठीक हो जाए और लगभग 1.5 से 2 महीने में ही ठीक हो जाए। हमने देखा है कि नियमित रूप से हर दिन 1 घंटे जिसमें भी प्राणायाम किया, अनुलोम विलोम, कपाल भाती और भस्त्र का, सभी की डायबिटीज 1.5-2 महीने में ही ठीक हो जाए। कितनी बढ़िया डायबिटीज की ये ठीक करने की प्रक्रिया है, कितना अच्छा ट्रीटमेंट, पैसा कोई खर्च नहीं हो रहा है, शरीर को कोई दुष्परिणाम नहीं हो रहा है, आप रोज अपने घर में ये कर सकते हैं, करोड़पति आदमी भी ये कर सकता है और रोगपति भी कर सकता है, अमीर भी कर सकता है, गरीब भी कर सकता है, महलों में रहने वाला भी कर सकता है, झोपड़ी में रहने वाला भी कर सकता है, तो आप ये प्राणायाम करें। और आयुर्वेद की एक दवा आप उसका फॉर्मूला लिख लीजिए, वो आप डायबिटीज में इस्तेमाल करें, ये दवा आप घर में ही बना सकते हैं। वैसे तो डायबिटीज की दवा हमारे पतंजलि चिकित्सालय में भी मिलती है, मधुनाशिनी बटी कहते हैं, आप वो चाहे तो ले सकते हैं और या चाहे तो घर में ही आप दवा बना लीजिए डायबिटीज के। जो घर में आप दवा बनाएंगे वो कैसे बनेगी, 100 ग्राम लीजिए मेथी का दाना और इस 100 ग्राम मेथी दाने को धूप में सुखाइए और 2-3 दिन जब आप इसको धूप में सुखा देंगे तो इसको पत्थर में पीस लीजिए, पाउडर बन जाएगा। तो 100 ग्राम मेथी दाने का पाउडर ले लीजिए। फिर एक दूसरी दवा है, 100 ग्राम लीजिए तेज पत्ता। तेज पत्ता हमारे घर में है, आप इसको धूप में सुखा लीजिए, पत्थर में पीस कर इसका पाउडर बना लीजिए, तो 100 ग्राम तेज पत्ता।
और तीसरी दवा है 150 ग्राम जामुन की गुठली। जामुन का फल आता है, उसे आप खाते हैं, उसकी गुठली को मत फेंकिए। जामुन का बीज, जामुन की गुठली, तो जामुन को खाइए और उसका जो बीज है उसको धूप में सुखा लीजिए और उसको सुखाकर पाउडर बना लीजिए 150 ग्राम जामुन के बीज का पाउडर। और चौथी दवा है बेलपत्र। शंकर भगवान को जो आप बेलपत्र चढ़ाते हैं वो 250 ग्राम तोड़िए और उसको धूप में सुखाकर उसको पीसकर उसका भी पाउडर बना दीजिए। अब ये चार दवाएं आपके पास है, 250 ग्राम बेलपत्र के पत्ते को पीसकर पाउडर बना लिया, 150 ग्राम जामुन की बीज को सुखाकर पीसकर पाउडर बना लिया, 100 ग्राम मेथी दाने को सुखाकर पीसकर पाउडर बना लिया और 100 ग्राम तेज पत्ते को पीसकर सुखाकर पाउडर बना लिया। ये चारों को पीसकर आपस में मिला दीजिए और एक कांच की शीशी में इसको भर के रखिए। बस यही दवा है डायबिटीज। अब इसको खाएंगे कैसे? एक चम्मच पाउडर सुबह लेना है गर्म पानी के साथ, नाश्ता करने से एक घंटे पहले, और एक चम्मच पाउडर शाम को लेना है खाना खाने से एक घंटे पहले। तो सुबह शाम एक एक चम्मच पाउडर लेते जाइए और गर्म पानी से लेना, और इसको डेढ़ दो महीने अगर आपने ले लिया तो ये आपके डायबिटीज को बिल्कुल ठीक कर देगा, शुगर एकदम आपकी ठीक हो जाए। आप जान लीजिए एलोपैथी में डायबिटीज को ठीक होने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में, योग प्राणायाम में गारंटी से डायबिटीज ठीक होता है और लाखों लोगों का डायबिटीज ठीक हुआ है पिछले 10 वर्षों में और वो अभी अपना जीवन सामान्य रूप से बिता रहे हैं। मेरी आपको ये प्रार्थना है कि जो मैंने आपको बताया ये आप उन सभी को बताइए जिनको शुगर की बीमारी हो गई है, डायबिटीज उनको हो गया, क्योंकि 5,70,00,000 भारतवासियों को इसकी जरूरत है और वो अगर इससे अपना जीवन सुखी बना पाएंगे तो इस पुण्य का लाभ आपको भी मिलेगा। तो आप अगर खुद डायबिटिक हैं तो अपना इस्तेमाल करें और कोई आपके परिचित मित्र हैं उनको भी बताएं। इस पूरे चिकित्सा को करते समय बस एक ही सावधानी आप रखें, चीनी मत खाइए, चीनी खाना बंद कर दीजिए। डायबिटीज का इलाज करते समय आप ये आयुर्वेद की जो औषधि खाएंगे इसमें आप चीनी मत खाइए, बस इतना ही सावधानी रखें। आप बोलेंगे चीनी में क्या समस्या है, चीनी ही तो सबसे बड़ी समस्या है। मैं आपको एक पुरानी जानकारी देना चाहता हूँ कि जब से भारत में चीनी आई तभी से ये डायबिटीज है। आपको मालूम है भारत में शुरू कराई थी इसका उत्पादन, अंग्रेजों के पहले भारत में कोई चीनी खाता नहीं था, चीनी कोई बनाता भी नहीं था। हम सब भारतवासी गुड़ खाते थे, बूरा खाते थे, खांड खाते थे, चीनी कोई नहीं खाता था। एक भी दुनिया की अच्छी चीज चीनी में नहीं है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, हमारे शरीर के लिए काम आने वाले कई तरह के सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो हम भोजन के द्वारा प्राप्त करते हैं, चीनी में एक भी सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, जिनको अंग्रेजी में हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, वो एक भी चीनी में नहीं है। चीनी में कैल्शियम नहीं है, चीनी में आयरन नहीं है, चीनी में पोटेशियम नहीं है, चीनी में सोडियम नहीं है, चीनी में कुछ नहीं है, न मैग्नीशियम है न मैग्नीज है, एक भी चीज जो शरीर के काम आती है वो चीनी में नहीं है। चीनी में ना प्रोटीन है, चीनी में ना विटामिन है, चीनी में ना कोई मिनरल है, ना उसमें विटामिन है, ना प्रोटीन है, ना मिनरल है, कुछ है ही नहीं उसमें, खाली उसमें मीठापन है और कुछ नहीं।
और दुर्भाग्य से चीनी का जो मीठापन है वो आपके शरीर के काम का नहीं है। ये जो चीनी का मीठापन है ना, इसको विज्ञान और तकनीकी की परिभाषा में सुक्रोज कहते हैं। ये जो सुक्रोज है ये शरीर को हजम नहीं हो पाता। तो चीनी जो खाते हैं इसका मीठापन आपके शरीर में हजम नहीं हो पाता। फिर क्या होता है, आप जो चीनी खाते हैं उसका मीठापन आपके खून को गाढ़ा बनाता रहता है, और खून जैसे जैसे गाढ़ा होता जाएगा उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाता है, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो 103 खतरनाक बीमारियां आपको आएंगी। आपका मोटापा बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, डायबिटीज शुगर तो होने ही वाली है, थोड़े दिन में घुटनों का दर्द आएगा, कमर का दर्द आएगा, कंधे का दर्द आएगा, बहुत ज्यादा दिन तक अगर आप ये झेलते रहे तो किडनी खराब होगी, लिवर डैमेज होगा। 103 खतरनाक बीमारियां आती हैं चीनी के कारण। इसलिए चीनी तो बंद ही करना है आपको। जो डायबिटीज के मरीज हैं वो तो तुरंत बंद कर दें, और जो स्वस्थ हैं और हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं वो भी चीनी खाना बंद कर। फिर आप बोलेंगे जी क्या खाएं, गुड़ खाओ ना गुड़। देखो आप सीधी सी बात समझ लो, एक मीठापन ऐसा है जो भगवान ने बनाया, ईश्वर ने बनाया, और एक मीठापन ऐसा है जो आदमी ने बनाया। ये चीनी वो है जो आदमी बनाता है, और ये गुड़ का मीठापन है जो भगवान ने बनाया। गुड़ कहाँ से आया, गन्ने के रस में से आया। अब गन्ना तो भगवान ने बनाया, उसमें रस भगवान ने दिया, और गुड़ में क्या होता है, गरम करते हुए गन्ने का रस गुड़ बन जाता है, हम उसमें कुछ नहीं मिलाते, बस थोड़ा गुड़ को साफ रखने के लिए गन्ने के रस में दूध मिला दिया जाता है, दूध जो आप पीते हैं, या भिंडी होती है ना, भिंडी, भिंडी का रस मिला देते हैं। तो गुड़ बनाना माने वही जो ईश्वर ने दिया आप उसी को खा रहे हैं। चीनी जो है ना ये बहुत खतरनाक है, ये बनती तो गन्ने के ही रस से है, लेकिन इसमें जितने केमिकल्स डालने पड़ते हैं वो सब शैतान के बनाए हुए हैं। शैतान माने आपको मालूम है बिना सल्फर के चीनी नहीं बनती। सल्फर दुनिया का सबसे खतरनाक केमिकल है जो शैतान ने बनाया। पता है ये सल्फर किस लिए बनाया, ये बनाया गया बम और पटाखों के लिए। ये दिवाली पर हमारे घरों के बच्चे जो पटाखे चलाते हैं, इन सभी पटाखों में सल्फर ही होता है, गंधक जिसको हम कहते हैं। गंधक के मसाले से सारे पटाखे और बम बनते हैं, उसी गंधक के मसाले से चीनी बनती है। और अगर आप चीनी खा रहे हैं तो समझ लो बम पटाखों का मसाला खा रहे। अब ये आप खाओगे चीनी के साथ, सल्फर जाएगा पेट में और ये जहर के रूप में जमा हो जाएगा खून में, और आपको सैकड़ों तकलीफ करेगा। इसलिए इसे ना खाओ तो अच्छा है। और एक सबसे बड़ा कारण है चीनी नहीं खाने का कि ये चीनी बनती है चीनी मिलों में, शुगर मिल, और सारी भारत की शुगर मिल भारत के सबसे बेईमान और भ्रष्ट नेताओं की। भारत की राजनीति में जो सबसे ज्यादा बेईमान हरामी और लालची नेता है उन्हीं की चीनी मिले हैं पूरे देश। आप अगर घूमो पूरे भारत में तो सबसे ज्यादा चीनी मिले महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा बेईमान और हरामी नेता उनके मालिक हैं चीनी में। फिर कर्नाटक में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, सारे बेईमान नेताओं की राजनीति इन्हीं चीनी मिलों से चलती है। इसका मतलब है कि जब भी आप चीनी खरीदोगे तो उसका पैसा किसी न किसी बेईमान और भ्रष्ट नेता की जेब में ही जाएगा। इसका माने आप चीनी खरीदकर बेईमान और भ्रष्ट नेताओं की ताकत बढ़ा रहे, और फिर आप भ्रष्टाचार खत्म कैसे करोगे इस देश का। इसलिए ये चीनी खाना तुरंत बंद कर दो। फिर क्या खाओ, गुड़ खाओ। गुड़ बनाते हैं हमारे देश के गरीब किसान।
अगर आप गुड़ खा रहे हो तो आपका पैसा किसी न किसी गरीब किसान के पास जा रहा है और वो किसान की गरीबी दूर